हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने 12th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो कुछ बेसिक प्रश्न बनाए जाते हैं ऑब्जेक्टिव के, उसको भी हम लोग इसी चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और एक एक प्रश्न को काफ़ी अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, यहाँ से निकलने वाले जो प्रश्न होते काफ़ी आसान होते। ठीक है, तो देखेंगे आपको कितनी अच्छी तरह से समझ में आता है। तो आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और एक एक प्रश्न को ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमने क्या लिखा हुआ है, एक नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कार्बनिक यौगिकों में आवश्यक तत्व है। ठीक है, तो हमें पता है कि कार्बनिक यौगिक में आवश्यक तत्व जो होता वो कौन सा होता, कार्बन। ठीक है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कार्बन, तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न को देखेंगे, कह रहा है कार्बन की संयोजकता है। ठीक है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, 4, तो ये इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। आगे देखेंगे तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध की लंबाई है। ठीक है, तो जब हम बात करें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध की लंबाई की, तो वो कितनी होती, 1.54 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो किस ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1.54 एंगस्ट्रम। ठीक है, इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाला यौगिक है। तो सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाला यौगिक कौन सा होता, तो एल्किन। जब एल्किन की बात करी जाए तो क्या हो जाता, CnH2n, और एल्काइन आपसे अगर पूछ रहा तो क्या लिखेंगे, CnH2n-2। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपना ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा, 5 नंबर, कह रहा एल्कीन का सामान्य सूत्र है। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। ठीक है, तो इस आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है CnH2n, तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखेंगे 6 नंबर, कह रहा इथेन में कार्बन का संकरण है। ठीक है, तो बात कर रहा किसकी, इथेन की। आपको पता है एल्केन वाला टर्म है, तो इसमें कार्बन का जब संकरण हम लोग निकालते हैं तो कितना होता, 4। आप देखेंगे दो कार्बन है, दोनों कार्बन एक दूसरे से सिंगल बंध से जुड़े होते हैं इथेन की बात करें तो, और हर एक कार्बन अपने साथ कितने हाइड्रोजन को जोड़े रखता, 3-3 हाइड्रोजन को। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो एक कार्बन के 1-2-3-4 सिग्मा बंध बना रहा, और सिग्मा बंधों की संख्या जब 4 आती तो प्रसंकरण आपको पता है कितने होते, sp3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आगे देखेंगे 7 नंबर, कर इथाइन में पाई बंधन है। देखिएगा इथाइन की बात कर रहा है एल्काइन वाले टर्म की, तो देखेंगे इथाइन, इथ का मतलब दो कार्बन, तो यहां दो कार्बन जो है वो आपस में जुड़े होते किस बंध से, ट्रिपल बॉन्ड होता है इनके बीच दोनों कार्बन के बीच, और इधर भी एक हाइड्रोजन ये रखे रहता और एक हाइड्रोजन ये, इनके बंधन कंप्लीट हो जाते। तो अभी थाइन में देख रहा है दोनों कार्बन के बीच आपसे पूछ रहा है क्या कि पाई बंधन, तो आपको पता बीच वाले सिग्मा हो गए, इसके किनारे एक पाई यहां और एक नीचे, तो पाई बंधन की संख्या इथाइन में कितनी होती, 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे 8 नंबर, कह रहा है CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या। तो आप देखिएगा CH4 यानी एक कार्बन अपने साथ कितने हाइड्रोजन को जोड़ के रखा, 4 हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हुए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा, देखेंगे 4 सिग्मा बंधन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, 1-2-3-4। ठीक है, तो CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा, कह रहा है एल्किन किस प्रकार की अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया हुआ योगशील अभिक्रिया, और बी में दिया हुआ प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और सी कह रहा है ए और बी दोनों। ठीक है, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप देखेंगे बात करें हम एल्किन की, तो एल्किन योगशील अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया दोनों तरह की अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। ठीक ना, तो देखेंगे अपना ऑप्शन यहां कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक ना, देखेंगे 10 नंबर, कह रहा विद्युत एवं उष्मा का सुचालक है।
ऑप्शन ए में कह रहा है एंथ्रासाइट, बी में दिया हुआ हीरा, सी में ग्रेफाइट और डी में चारकोल। ठीक है, तो विद्युत एवं उष्मा के सुचालक की बात करें तो देखेंगे ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, ग्रेफाइट में उपस्थित जो कार्बन परमाणु होते हैं आपको पता है उनके पास क्या होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री पाए जाते हैं। ठीक है, हीरा में ऐसा नहीं होता, हमने ये चीज आपको बताया हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा विद्युत एवं उष्मा का सुचालक, ग्रेफाइट। ठीक है, आगे देखेंगे, पूछ रहा आपसे कि हीरा में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो कार्बन का प्रसंस्करण पूछ रहा है किसमें, हीरा में। हमने कहा था कि हीरा में उपस्थित जो कार्बन परमाणु होते क्या होते, चार बंध बनाते अपने अन्य परमाणुओं के साथ, चारों एक एक बंध के द्वारा चार कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है एक कार्बन परमाणु। ठीक है, तो आपको पता है कि एक कार्बन परमाणु चार सिग्मा बंध बनाएगा और सिग्मा बंध की संख्या चार, तो प्रसंस्करण क्या मिलता, sp3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। 12 नंबर देखिएगा, करण निम्नलिखित में कार्बन के किस अपर रूप में कार्बन का प्रतिशत अधिकतम होता है। तो ऑप्शन ए में देखेंगे कास्ट चारकोल करा, बी करा कोकोनट चारकोल, सी ग्रेफाइट और कार्बन का अपर रूप होता है और इसमें कार्बन की प्रतिशतता क्या होती है, अधिकतम होती है। आपने पढ़ा है कार्बन के अपर रूप कौन कौन होते, हीरा होता, ग्रेफाइट होता और फुलरीन आपने पढ़ा हुआ, जहां हमने C60 फुलरीन आपसे बताया था। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा, कह रहा प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला व्युत्पन्न है। ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ एल्केन, बी में कार्बोहाइड्रेट, सी में वसा और डी में दे रहा एल्किल हैलाइड। ठीक है, कह रहा प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला व्युत्पन्न है। ठीक है, तो देखेंगे एल्केन कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होते हैं ये प्रकृति में पाए जाते हैं, एल्किल हैलाइड जो होता है ये प्रकृति में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर देखेंगे क्या कह रहा, कह रहा एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हमने पढ़ाया था कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब हम जलीय KOH के साथ कराते तो वहां से देख रहे थे OH जो जा रहा था वो किसको, वहां से हैलाइड वाले टर्म को प्रतिस्थापित कर दे रहा था। ठीक है, तो कौन सी अभिक्रिया होती, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा हम लोग एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक ना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर, कह रहा क्लोरल है, तो जब हमने आपको प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि बताया था उस समय हमने क्लोरल बना के दिखलाया था आपको, जो क्लोरल का सूत्र हमें क्या मिला था, तो CCl3 सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है CCl3CHO। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। 16 नंबर देखिएगा, करम मैग्नीशियम के शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसके साथ अभिक्रिया से ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनाया जाता है, ग्रिगनार्ड लिखेगा या ग्रिनेयर लिखेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देखिएगा, तो हमने बताया था कि मैग्नीशियम के शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम लोग किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक ना, तो क्या बन जाता है, ग्रिनेयर अभिकर्मक या ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बन जाता है। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे एल्किल हैलाइड वाला ऑप्शन अपना कौन सा, तो आप पाएंगे ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, C2H5Cl एथिल क्लोराइड है। तो इससे हम लोग काफी आसानी से क्या बना सकते हैं, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बना सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं, सब लोग ध्यान देंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा, कह रहा क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर बनाता है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि क्लोरोफॉर्म जब प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो फॉस्जीन गैस बनाता है। कौन सा गैस, फॉस्जीन गैस, और फॉस्जीन गैस का सूत्र क्या होता है, तो COCl2। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है जब एथिल क्लोराइड को उबाला जाता है। ठीक है, तो एथिल एल्कोहल बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, तो एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ कराते थे। ठीक है, तब हमें क्या मिलता था, एथिल एल्कोहल। तो इस प्रश्न में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ जलीय KOH। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, कह रहा एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से क्या बनाने में किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ एल्केन, बी में दिया हुआ एल्किन, सी में दिया हुआ एल्कोहल और डी दे रहा इनमें सभी। तो आप देखेंगे एल्किल हैलाइड से ऊर्जा अभिक्रिया कराते थे तो एल्केन बन जाता था, एल्कोहलिक KOH के साथ इसकी रिएक्शन कराते थे तो एल्किन भी बन जाता था, देखेंगे जलीय KOH के साथ रिएक्शन कराते तो एल्कोहल भी बन जाता।
तो देखेंगे एल्किल हैलाइड से हम एल्केन भी बना सकते हैं, एल्कीन भी बना सकते हैं और एल्कोहल भी बना सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ठीक है, आगे देखेंगे। करण, निम्नलिखित में से किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है? तो ऑप्शन ए में देखिएगा तो CH3Cl दिया हुआ, बी में दिया हुआ CHCl3, सी में दिया हुआ CCl4 और डी में दिया हुआ है CHI3। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी CCl4 की, तो आप पाएंगे कि कार्बन और जो क्लोरीन के बीच जो बंध बनेंगे तो उसमें क्लोरीन क्या होगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे क्लोरीन के परमाणु, तो चारों तरफ से आप देखेंगे तो समान रूप से इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे कार्बन के पास से। तो यहां आप पाएंगे कि CCl4 में द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो शून्य के बराबर होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। क्या करा? एल्किल हैलाइड की घटती क्रियाशीलता का क्रम है। ठीक है, और देखेंगे यहां पे दिया हुआ RI, RCl और RBr। ठीक है, एल्किल आयोडाइड दिया हुआ, एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड। ठीक है, तो आप देखेंगे सभी ऑप्शन में देखेंगे एल्किल के साथ ब्रोमाइड है, क्लोराइड है और आयोडाइड है। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर हम बात करें ब्रोमीन क्लोरीन और आयोडीन में, तो आपको पता आयोडीन का आकार सबसे बड़ा होता, ठीक ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो किसका होगा? ब्रोमीन का, और उससे कम थोड़ा को किसका? क्लोरीन का। ठीक है, तो कह रहा कि घटती क्रियाशीलता का क्रम आपसे पूछ रहा, तो आपको पता जिसका आकार बड़ा होगा वो एल्किल के साथ जुड़ा है तो उसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होगी। तो आप देखेंगे एल्किल के साथ अगर आयोडाइड जुड़ा हुआ है तो उसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक, फिर उससे कम किसकी? तो एल्किल ब्रोमाइड की, और फिर उससे कम किसकी? तो एल्किल क्लोराइड की। ठीक है, तो घटते हुए पूछ रहा तो सबसे अधिक वाले को आगे लिखेंगे, तो सबसे पहले एल्किल आयोडाइड, फिर एल्किल ब्रोमाइड और फिर एल्किल क्लोराइड। ठीक है, तो ऑप्शन सी में आप देखेंगे पहले एल्किल आयोडाइड है, फिर एल्किल ब्रोमाइड और फिर एल्किल क्लोराइड है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, करा आयोडीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड को निम्नलिखित में किसके साथ गर्म करके आयोडो फॉर्म बनाया जाता है? ठीक है, तो हमने आपको बताया था, देखेंगे आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम एथेनॉल के साथ गर्म करते तो आयोडो फॉर्म बनता, और एथेनॉल की अभिक्रिया अगर हम व्यंजक चूर्ण के साथ कराते तो हमें पता क्लोरोफॉर्म बनता है। ठीक है, तो यहाँ आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड को पूछ रहा है किसके साथ गर्म करेंगे तो आयोडो फॉर्म बनेगा, तो किसके साथ? एथेनॉल के साथ। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, करा CHI3 का एंटीसेप्टिक गुण है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ आयोडो फॉर्म का आपसे पूछ रहा है, एंटीसेप्टिक गुण है, ऐसा क्यों होता? तो देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं, डैश देंगे। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक गुण का कारण क्या होता? तो आपको पता है कि आयोडो फॉर्म जो होता है वो स्वतंत्र आयोडीन मुक्त करता, तो स्वतंत्र आयोडीन मुक्त करने के कारण यह क्या कौन सा गुण दिखलाता? एंटीसेप्टिक गुण दिखलाता। ठीक है, तो क्लियर है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा? फ्रियॉन 12 का सूत्र है। ठीक है, तो देखिएगा फ्रियॉन 12 का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CCl2F2। ठीक है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है CCl2F2, नाम इसका आप पढ़ सकते हैं। देखेंगे दो Cl जुड़े, दो F2 जुड़े, सॉरी मतलब Cl2 और F2 के रूप में, मतलब क्लोरीन के दो परमाणु कार्बन से जुड़े और फ्लोरिन के दो परमाणु कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो जब आप इनका नाम लिखेंगे तो देखिएगा ध्यान रखिएगा अल्फाबेट का, पहले क्लोरो आता, सी से स्टार्टिंग होती, फिर फ्लोरो, तो पहले लिखेंगे डाई क्लोरो, डाई फ्लोरो मेथेन। ठीक ना, पहले क्लोरो वाला लिखेंगे, फिर फ्लोरो वाला, फिर एक कार्बन है तो मेथेन, तो डाई क्लोरो, डाई फ्लोरो मेथेन हो जाएगा इसका, और सूत्र क्या होगा? CCl2F2। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 25 नंबर कह रहा है कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण है। देखिएगा कार्बनिक ठोस की शुद्धता का जो लक्षण होता है वो किस पे निर्भर करता है? गलनांक पे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 26 देखेंगे कह रहा है DDT किससे बनता है। तो हमने आपको बताया था DDT बनाने के लिए क्या किया जाता था? क्लोरल और क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम लोग कराते थे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम लोग सोडियम धातु के साथ कराते थे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो वो अभिक्रिया जो होती थी कौन सी अभिक्रिया कहलाती थी? वुर्ज अभिक्रिया, और वहां एल्केन का निर्माण होता था। ठीक ना, तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर से, जो कि अपने बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, एक बार पूरा देखें, फिर उसके बाद से क्या करेंगे डबल स्पीड में चलाएंगे और इनको रिवीजन में रखेंगे। ये सारे प्रश्न
इसमें देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन हमने वो लिए जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, और कुछ नए प्रश्न जो बन सकते थे, किस टॉपिक से प्रश्न निकलते देखेंगे कितने अच्छे अच्छे और आसान आसान प्रश्न यहाँ से निकाले जाते हैं, ठीक ना। तो उन सारे प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक्स।